कोरोना के खौफ ने अब इंसानियत और रिश्तों का गला घोंटना भी शुरू कर दिया है। कोरोना से पीड़ित अपनों से रिश्ते मुंह मोड़े जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि अपनों को कंधा देने के लिए औलादे भी आगे नहीं आ रही। तो वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पतालों ने आपदा के इन हालातों को लूट का अवसर समझ लिया है। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर धांधली जारी है, जिससे मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ से खाली बॉडीज 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 ओनली बॉडीज निकल रही हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जहां रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रह गई है। गोयल सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ शव वाहन और उसमें राजेंद्र कुमार अग्रवाल का पार्थिव शरीर है, लेकिन अब हॉस्पिटल के तमाम प्रबंधन को इस बात के लिए परिवारजन लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग नहीं आ सकते हैं, और ऐसे में आप खुद जाकर, यानी जो मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल का और एम्बुलेंस चालक है, वो खुद जाकर अंतिम संस्कार करा दें। तो आप समझ सकते हैं कि जब स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह बनी हुई है, वहाँ किस तरीके से रिश्तों के कहा जाए जो डोर है वो भी पूरी तरह से टूटी नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की दखलंदाजी के बाद अब राजेंद्र अग्रवाल का अंतिम संस्कार करने को उनका परिवार राजी हुआ है। जरा सोचिए, जब रिश्ते साथ छोड़ रहे हैं तो इस कोरोना काल में इंसानियत कितनी देर टिक पाएगी। बरेली से भी एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ के फरीदपुर थाना क्षेत्र में रोहतास नाम का ये शख्स किराए पर रहता था। कोरोना हुआ तो मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। बेटा अपनी माँ के पास पहुँच गया, जिससे माँ को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। हालातों की मार दोनों पर ऐसी पड़ी, कोरोना से माँ बेटे की मौत हो गई। लेकिन बदकिस्मती ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। शमशान में जगह कम पड़ गई तो दोनों की लाशों को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार करना पड़ा। अस्पतालों में इलाज नहीं, मौत का खेल। इलाज के नाम पर हो रहा लाशों का सौदा। मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखेगा। स्टाफ भी नहीं आया, न दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई लाना खाने देने आया। उसके बाद तीसरे दिन क्या कहते हैं, मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया। क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, कंप्लेंट वगैरह करी तो थोड़ा जाके कल स्टाफ कोविड था तो भर्ती किया गया था। ये उस बेटे के आरोप हैं जिसने अस्पताल की लापरवाही से अपनी माँ को खो दिया। जहाँ एक तरफ कोरोना की वजह से एक एक बेड की मारामारी है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के एशियन हसीन बेगम जैसे निजी अस्पतालों की भी, जिन्हें कोविड सेंटर बनाया गया और यह इलाज के नाम पर पहले मौत बांटी जा रही है, फिर लाशों का सौदा किया जा रहा। परिवार के आरोप में कि माँ की डेड बॉडी देने के नाम पर करीब 1.5 लाख रुपए मांगी गई। बाहर शिफ्ट कर दिया कि दूसरे हॉस्पिटल की, वहाँ चले जाओ, अपने यहाँ पे एक्सपायर हो गए थे वो, क्योंकि मिलना नहीं था। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब बॉडी लेने की बात हुई तो कहना पहले बिलिंग करा के लाओ, फिर उसके बाद बॉडी मिलेगी आपको। 1,35,000 रुपये का बिलिंग बैठाई है, जिसमें कोई केयर नहीं हुई ना कुछ हुई है। घंटों परिवार लाश पाने का इंतजार करता रहा। मीडिया की दखलंदाजी के बाद परिवार को माँ का शव मिल सका। इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है, उसे भी सुन लीजिए। ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है, जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होके जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने पर पता चला कि ये प्राइवेट तौर पर ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। नोडल साहब, यहाँ आरोप इलाज के बिल को लेकर नहीं बल्कि इलाज को लेकर। कोविड पीड़ित महिला का सही से इलाज नहीं किया गया, उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं लगाई थी, महिला बाथरूम में गई, इस बात की जानकारी नहीं दी गई। अगर इसके बाद भी आप जैसे जिम्मेदारों को निजी अस्पतालों की हकीकत नहीं समझ आ रही, तो ये आपदा काल में आम आदमी के लिए इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो ही नहीं सकती। एक तरफ कोरोना मौत का पंजा फैलाए खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल इलाज के नाम पर लूटने के लिए मौत का जाल बिछाए बैठे हैं। और सरकारी व्यवस्थाओं का क्या आलम है, इसके बारे में हर रोज सामने आती तस्वीरें ही काफी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।